दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 10:08 से सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 12 तारीख को दोपहर पहले 11:46 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 8:34 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:44 से रात 8:20 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 तारीख को दोपहर 1:03 से शाम 6:21 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 तारीख को सुबह 9:51 से दोपहर 1:22 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 8:34 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:44 से रात 8:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 8:34 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:44 से रात 8:02 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 5:06 से रात 8:34 तक और रात 10:50 से अगली सुबह 5:32 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 7:20 से रात 8:02 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:45 से दोपहर पहले 11:46 तक और दोपहर 1:41 से शाम 6:16 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 तारीख को सुबह 8:34 से दोपहर 1:30 तक और दोपहर बाद 3:44 से रात 8:02 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 तारीख को रात 1:02 से अगली सुबह 7:02 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:46 से दोपहर पहले 11:46 तक और दोपहर 1:41 से शाम 6:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति दिशा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:57 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष मिथुन तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।